इंडियन बाइस ड्राइव 3D के अंदर आज फ्रैंकलिन गाइस खेलने वाले GTA 5। फ्रैंकलिन ने अपने दादाजी के जमाने वाले कंप्यूटर में GTA 5 गेम को ओपन कर दिया है, तुम देख ही सकती हो। एंड यहाँ पर अपने को एक मिशन कंप्लीट करना है, वो है कि हमें विराट कोहली की फॉर्च्यूनर चोरी करनी है। गाइस यार ये मिशन तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इससे भी ज्यादा यार बहुत मुश्किल है। कैसे हम विराट कोहली की इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच से इसकी फॉर्च्यूनर चोरी करेंगे? यार मुझे नहीं लगता कि हम ये कार चोरी कर पाएंगे। बाकी अपनी कोशिश करते हैं, बने रहना वीडियो में एंड तक। जल्दी से हम ऐसा करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पर चलते हैं जहाँ पर हमें विराट कोहली की फॉर्च्यूनर स्टोरी करनी है। तो अपना जो भी कार में अपनी बैठ चुका है, जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ, कहीं लेट ना हो जी। जल्दी से मैं वहाँ पेट्रोल पंप पर पहुँच रहा है। ऑल राइट गाइस, तो मैं 1 घंटा कंटिन्यूसली ड्राइविंग करने के बाद पेट्रोल पंप पर पहुँच चुका हूँ। जल्दी से मैं यहाँ से एक तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेता हूँ। बाकी सामने तुम फॉर्च्यूनर देख ही सकते हो, ट्रक पर लोड हो चुकी है एंड वहाँ पर विराट कोहली भी यार खड़ा है। इसकी सिक्योरिटी गार्ड्स देखकर तो यार मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, विराट कोहली का मैं सोच रहा हूँ कि फोटो शोटो निकाल दूँ, लेकिन नहीं यार हमें तो अपनी गाड़ी चोरी करनी। बाकी तुम देख ही सकती हो कैसे सारे लोग इसका फोटो शूट करेंगे। बाकी यहाँ पर जो अपना प्लान है ना, वो ये है कि सबसे पहले ना हमें वेपन्स चाहिए, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास ना एक भी गन नहीं है। इतने गार्ड्स हैं तो हमें इनको मार कर फॉर्च्यूनर चोरी करनी है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले चलते हैं एम्यूनेशन स्टोर पर, वहाँ से कोई अच्छी सी गन खरीद कर फिर आते हैं यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर चोरी करने। मेरे ख्याल से यार तुम्हारे मन में ये ख्याल आया होगा कि मैं ना कोई बैंक वैंक लूट कर वहाँ से पैसे जोड़ कर क्यों ना अपने लिए एक न्यू फॉर्च्यूनर ले लूँ। तो यार यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये लॉस सैंटोस है ना, यहाँ पर लोग सुपर कार्स बहुत ज़्यादा चलाते हैं, कोई भी SUV या फॉर्चुनर लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ नहीं चलाता। हमें तो यार फॉर्चुनर पसंद है, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि विराट कोहली की फॉर्चुनर यहाँ पर आ चुकी है, तो हम ना इसलिए इसकी चोरी करने वाले हैं। बाकी मैं एम्यूनेशन स्टोर पर पहुँच चुका हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे सामने वाली एक AK-47 खरीद लूँ, एक स्नाइपर, क्योंकि स्नाइपर भी काम आने वाले हैं। नीचे एक में ग्रेनेड भी ले लेता हूँ एंड यहाँ पर ये जो पिस्टल है ना, ये भी मैं ले लेता हूँ। ओके तो गाइज मैंने ना अपने लिए वेपन्स ले ली है, अभी मैं जल्दी से वहाँ चलता हूँ कहीं विराट कोहली चला ना जाए। मैं ना अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ जा रहा हूँ। यार एक सेकंड, ये क्या भाई, विराट कोहली तो पता नहीं कहाँ पर जा रही है ब्लैक लैंड क्रूजर में। इसके आगे एक सिक्योरिटी गार्ड्स पे देख फॉर्च्यूनर, वे मैं सामने फॉर्च्यूनर है लेकिन ये दूसरी तरफ जा रहे हैं फॉर्च्यूनर को लेकर। शायद यार मुझे नहीं पता कहाँ ले जाने वाले। अभी मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से थोड़ा आगे निकलता हूँ। सामने ना वो जो SUV जा रही है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पहले तो हमें इनको मारना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम फॉर्च्यूनर वाले गार्ड्स पर अटैक कर लें और ये हमें पीछे से मार लें। तो मैं ऐसा करता हूँ, बिल्कुल आगे जाकर अपनी गाड़ी को एक अच्छी सी लोकेशन पर रोक देता हूँ जहाँ से ना मैं स्नाइपर से इनको असैसिनेट कर पाऊँ। मैंने ना एक स्नाइपर भी ले लिया है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से थोड़ा यूटर्न ले लेता हूँ। ऊपर में ये जो लेफ्ट साइड में पहाड़ है ना, यहाँ पर मैं चढ़ता हूँ। इसके बाद वहाँ पर वो जो सामने वाला पहाड़ है ना, ये जो ट्रेन ट्रैक के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, वहाँ सामने जाकर अपनी गाड़ी को रोक देता हूँ और जैसे ही वो आएंगे इनको मैं असैसिनेट कर लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने जल्दी से यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक दिया है। मैं उतर देता हूँ, चौक को भी मैंने यहाँ पर उतार दिया है। मैं जल्दी से यहाँ से अपना स्नाइपर लेकर खड़ा हो जाता हूँ एंड उनके आने का वेट कर रहा हूँ। सामने देखो ये लोग आ चुके हैं, मैं ऐसा कर रहा हूँ पीछे का जो ट्रक वाला ड्राइवर है ना, जल्दी से इसको मैं डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यार एक गोली मार दी लेकिन इससे नहीं लगी, दूसरी भी मैंने गोली इसके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर मार दी लेकिन इसको भी नहीं लगी। मैं ऐसा करता हूँ कि 47 से इसको मारता हूँ। भाई चौप मुझे क्यों काट रहा है, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत दूर चले जाएँ एंड हम यहाँ पर ही इन्हें देखते रहे। तो मैंने चौप को बैठा दिया है, अभी मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को थोड़ा टर्न कर लेता हूँ, जल्दी से यहाँ से जंप कर लेते हैं क्योंकि वहाँ से गए तो बहुत देर हो जाएगी। एक सेकंड, नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड, तो इसका मैंने एक्सीडेंट बहुत ही गंदे वाला भाई सा कर दिया है, ये शायद मर चुका है, मरा या नहीं मरा हमें इसमें कुछ भी नहीं जाएगी। सामने वो जो फॉर्च्यूनर है ना, जल्दी से वहाँ पर इन गार्ड्स को मैं पहले मार देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ अपना पिस्टल निकाल कर या गाड़ी से ही इनके ऊपर शूट करता हूँ क्योंकि ये मुझे भी मारे ही ना, ऐसा ना हो कि मुझे ना मार लें। तो मैंने एक को तो डाउन कर लिया पीछे, दूसरे को भी मैंने मार लिया। एक सेकंड भाई ये एक्सीडेंट करने वाला था लेकिन अच्छा हुआ कि मैं बच गया। मैं ऐसा करता हूँ आगे जाकर थोड़ी अपनी गाड़ी को रोकता हूँ, इसके बाद अपनी गन निकाल कर ये जो ड्राइवर है ना, जल्दी से इसको नॉक डाउन कर देता हूँ।
एक सेकंड यहाँ पर ये पहुँच चुका है, मैं भी उतर चुका हूँ। भाई साहब तुम रुक जाओ, वेट, यहाँ पर ये नहीं रुका, मैंने यहाँ पर पीछे एक बंदे को डाउन कर दिया, लेकिन शायद ये भी नहीं मिला। एक सीनियर ये था जो मुझे पता नहीं क्यों नहीं काट क्यों काट रहा है। जल्दी से यार चौप बैठ जाए, कहीं तुझे ना गोली लग जाए। मैं सामने वो जो एक बंदा है ना जिंदा है, अभी भी डाउन हो चुका है, ज़मीन पर गिरा है, लेकिन अभी भी जिंदा है। तो मैं जल्दी से इसका एक्सीडेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आगे से ही अपनी गाड़ी को निकाल देता हूँ। वेट भाई यार, यहाँ पर पता नहीं किस जगह पर जाकर अपनी गाड़ी अटक चुकी है। मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ, वहाँ सामने ये ट्रक में फॉर्चुनर जा रही है, जल्दी से इसे फॉलो करते हैं। वेट भाई, ये ड्राइवर क्यों उतर चुका है? शायद ये मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने इसका एक्सीडेंट कर दिया। पैसेंजर सीट वाला भी सिक्योरिटी गार्ड उतर चुका है, तो मैं इसका भी एक्सीडेंट कर देता हूँ। एक सेकंड यहाँ पर ये ट्रक में बैठ चुके हैं, अभी ट्रक ये ले जा रही है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इसको डाउन कर देता हूँ जल्दी से, कि 47 से इसको मैंने मार दिया है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, अपनी गाड़ी में जल्दी से बैठ जाता हूँ। वहाँ सामने एक बंदा अपनी गाड़ी को छोड़कर पता नहीं कहाँ भाग रहा है। नहीं तो मैं यार इसका भी एक्सीडेंट कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पुलिस को ना बुला ले। बाकी वहाँ पर वो जो फॉर्चुनर जा रही है ना, आज तो इसको मैं चोरी करके ही रहूँगा, तुम बस देखते जाना। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको यार गोलियाँ चला रहा हूँ, लेकिन इनका जो ट्रक का गिलास है ना, शायद ये भी बुलेट प्रूफ है। मैं ऐसा करता हूँ, या थोड़ा आगे जाकर रुक जाता हूँ, जैसे ये टर्न करेंगे ना राइट साइड में, और मैंने मार लूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जाकर खड़े हो जाता हूँ। अभी तुम देखना, जैसे ही वो ट्रक आएगी, मैं उसके ड्राइवर को AK-47 से मार दूँगा। लेकिन एक सेकंड भाई, वो ट्रक तो सीधा चली गई। मैं यार चुप, जल्दी में बैठ जाओ गाड़ी में, हमारे साथ बहुत ही गलत स्कैम हो चुका है। मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को यू टर्न कर देता हूँ। यार अभी तो गाड़ी भी पता नहीं क्यों अपनी स्लो हो चुकी है। ये देखो, एक तो हमें यार इतनी जल्दी ऊपर से ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से आ गई, इसका एक्सीडेंट हो गया हमारे साथ। बहुत ही छोटा वाला, कोई बात नहीं, जल्दी से इस ट्रक को फॉलो करते हैं। बाकी यहाँ से मुझे ट्रक यार दिखाई तो नहीं दे रही, क्योंकि ये बहुत दूर जा चुकी है। मुझे लगता है फॉर्चुनर हमारे हाथ से निकल चुकी है। वेट भाई, राइट साइड में देखो, ये ट्रक पता नहीं कहाँ यहाँ पर आकर अटक चुकी है। मैं जल्दी से यहाँ से उतरता हूँ, इन बंदे को डाउन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी यार हमारा प्लान पता नहीं क्यों बार बार फेल होते जा रहा है। ये ट्रक वाला बंदा तो यार बहुत ही खतरनाक वाला ड्राइवर है। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतर कर ऐसे मारने की कोशिश करता हूँ, तो ये कट मार कर निकल जाता है। लेकिन अभी तुम देखना, ये लास्ट बार में इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ इसे मारने की। अगर अभी ये भी ये नहीं मरा ना, तो मैं फॉर्चुनर से हाथ उठा लूँगा। भाई मुझे फॉर्चुनर चाहिए ही नहीं, ये मैंने अपने आप को चैलेंज दिया। जो भाई उतर जा जल्दी से, मैंने अपनी AK-47 निकाल ली एंड ये बिल्कुल गया। अभी भाई तो पीछे क्यों कर आई गाड़ी, इसको मैंने सीधा हेड शॉट मार कर मार दिया। अभी जल्दी से मैं इस ट्रक में बैठ जाता हूँ एंड फॉर्चुनर के साथ इस ट्रक को भी लेकर कई सेफ लोकेशन पर चल रहे हैं। इन वहाँ पर जाकर अपनी फॉर्चुनर को उतार कर फुल मज़े लेते हैं। बाकी ये जो अपनी कार है ना, इसके लिए मैं लमार को कॉल करके बोलता हूँ कि यहाँ से लेकर अपने घर पर जाकर छोड़ दे। ओके, तो गाइज मैंने अपनी ट्रक को भगा भगा कर बहुत दूर आ चुका हूँ। वेट, ये पुलिस कहाँ से आ गई? भाई यहाँ से मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मेरी ट्रक है, दूसरा पुलिस वालों के पास भी खतरनाक वाली गाड़ियाँ हैं, ये मुझे रोक सकते हैं, क्योंकि मेरी ट्रक की स्पीड बिल्कुल थोड़ी है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ही मुझे ना फॉर्चुनर को उतार कर इसमें बैठकर यहाँ पुलिस से एस्केप करना पड़ेगा, वरना पुलिस वाले हमें इस ट्रक में पकड़ सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ही अपनी ट्रक को रोक देता हूँ एंड अपनी फॉर्चुनर को यहाँ से उतार कर इसमें भागते हैं, नहीं ऐसा ना हो कि ट्रक में ना हमें वो पुलिस वाले मार दें। तो अभी मैंने गन निकाल दी है, पहले तो यहाँ पर पुलिस वाले, एक सेकंड, मुझे राइट साइड से किसी ने गोली मारी, पहले तो मैं इसको मारता हूँ। वेट, यहाँ पर इसने गोली मारी, लेकिन अच्छा हुआ कि चोप नहीं, इसका बेड़ा ही भाई गर्क कर दिया। देखो कितना गंदे तरीके से इसको चौपनी कट रही है। अभी यहाँ पर सामने पुलिस आ रही है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से यहाँ से फॉर्चुनर में बैठकर पहले तो इससे उतारता हूँ। भाई साहब जल्दी से बैठ जा, कहीं ऐसा ना कि पुलिस वाली गोलियाँ ना मारते, मेरी हेल्थ भी कम होती जा रही है। मैं जल्दी से अपनी फॉर्चुनर में तो बैठ चुका हूँ, चौप भी जल्दी से बैठ जा। मैं यहाँ से मैंने उतार दी। वेट, ये एक और पुलिस वाले हैं, मैं अब जल्दी से यहाँ से निकल रहा। अभी फॉर्चुनर को भाई साहब चलाने का मज़ा देखो यार, तुम कमेंट्स में पता ना कि ये गाड़ी तुम्हें कैसी लग रही है। भाई साहब मुझे तो यार इतने मज़ा दे रही है कि मैं क्या ही तुम्हें बताऊं। वैसे भी ये ऑफ रोड व्हीकल है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ इन पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। मेरे ख्याल से अभी पुलिस वाले हमारे बीच नहीं आएंगे, क्योंकि यार इनकी जो गाड़ियाँ हैं ना वो सीडान कार्स हैं, तो इन पहाड़ों के ऊपर ये नहीं चढ़ सकती। तो मैं जल्दी से यहाँ से उतरता हूँ, सामने ये जो गाँव है ना, यहाँ पर अपनी गाड़ी को जाकर छुपा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें ट्रैकर व्रेकर लगा हो और पुलिस वाले हमें ट्रेक ना कर दे। वेट, यहाँ पर हमें ना लमर की कॉल आ रही है, मैं इसको उठा लेता हूँ, देखते हैं कि ये क्या कहता है।
ओके तो गैस मैंने लमर से तो बात कर ली है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी कार को लेने आ रहा था तो रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। और अभी पुलिस वाले ने भी मुझसे बात करी कि जल्दी से ये जो रेलवे स्टेशन है ना सामने वाली, वहाँ पर आ जा, हम तुम्हारा वेट करें, अगर तू नहीं आया तो तेरे दोस्त लमर को हम मार देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर यार अपनी गाड़ी रोक कर थोड़ा ऊपर जगह, ये जो है ना लेफ्ट साइड में पता नहीं टैंकी या क्या भी लगाए, तो यहाँ पर चढ़कर देखता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ से नज़र आ रहे हैं नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन तो यही है जो उन्होंने बोली थी डायनासोर जो लगा है ना होटल पर, इसके पीछे वाली रेलवे स्टेशन के बारे में बोला था, तो वो तो यही है। वेट, यहाँ सामने देखो दो पुलिस वाले, नहीं नहीं दो नहीं है, मैं अपने स्नाइपर से देखता हूँ तीन पुलिस वाले और लमर को इन्होंने वाकई में अरेस्ट कर लिया। मैं ऐसा करता हूँ इन्हें मार लेता हूँ, ये एक गया अभी दूसरे को जल्दी से मार लूँगा, ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर गोलियाँ चला दे। तीसरा भी गया, मैंने इन तीनों को मार दिया है, अभी एक सेकंड यहाँ पर अभी भी ये नहीं मरे, ऐसा ना हो कि जिंदा हो जाए और लमर को ना मार दें, मैंने इसके ऊपर भी गोली बरसा कर ने मार दिए। अभी मैं ऐसा करूँ जल्दी से लमर के पास चलता हूँ। वीट, ये लमर कहाँ भाग रहा है? लगता है इसको पता नहीं है कि इन पुलिस वालों को मैंने मारा है, ये समझ रहा है कि किसी और ने अटैक किया है। तो मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ कर यहाँ से निकलता हूँ, अपना चौप भी पीछे बैठ चुका है। ऐसा ना हो कि लमर को कोई और पुलिस वाला ना मार दे, तो मैं जल्दी से यार पहले तो हमें लमर को लेना है। मैंने पुलिस वालों को मारा है तो तीन स्टार की पुलिस भी लग चुकी है, लेकिन इसको तो हम फेस कर लेंगे। अभी यार लमर तो रुक जा, कहाँ भाग रहा है? मैं ऐसा करता हूँ इसके आगे जाकर गाड़ी रोक देता हूँ। ये एक से लोमड़ी थी, कहीं से खाना ले जाओ। मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से इसके, भाई साहब ये पीछे क्यों भाग रहा है? यार मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, मैं जल्दी से यहाँ से उतर कर इसे अपना थोपड़ा दिखा देता हूँ। ये भी आ गए ना, जल्दी से यार बैठ जा पीछे से गाड़ी में। और वो देखो सामने हेलीकॉप्टर, शायद ये जो पुलिस वाली गाड़ी है ना, यहाँ पर मैंने पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, उन्हें देख रहा है। अभी मैं जल्दी से यहाँ से तो यार निकलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन व्रेन ना सामने आ जाए, बस मुझे डर इस बात का ही और पुलिस वालों का ही। मैंने सोचा कि मैं उस गांव में आकर बच्चों का हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सीन ही कुछ अलग हो चुका है। मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से यहाँ से इस ट्रेन ट्रैक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वैसे भी अपने पास ऑफ रोड व्हीकल है, पुलिस वालों को चलाने में ही दिक्कत होगी। वेट, वो सामने से मेरे ऊपर कौन फायरिंग कराई? मैं यहाँ पर इसका तो मैंने एक्सीडेंट कर दिया है, बहुत ही गंदा वाला भी। यहाँ से मैं निकलता हूँ, वेट यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से लेफ्ट कट मार कर निकल लेता हूँ, कहीं ऐसा हो कि ये मुझे मार दें। लेकिन ये मुझे ना विराट कोहली वाले सिक्योरिटी गार्ड्स लग रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ इनसे अगर लड़ूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, एंड ये मेरे को भी मार सकते हैं। लमर के पास भी कोई वेपन नहीं है, तो मैं जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि टायर वायर पंक्चर कर दे। बाकी वहाँ पर वो जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड थे ना, पुलिस ऑफिसर से लड़ रहे थे। वेट यहाँ पर ये पता नहीं कौन था स्नाइपर से लमर के ऊपर इसने गोली मार दी है। भाई मैं जल्दी से यहाँ से खड़ा होकर पहले तो इसे मारता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर ना गोलियाँ चला कर मुझे मार दे। लेकिन ये था कौन? मुझे तो यार विराट कोहली वाला सिक्योरिटी गार्ड ही लग रहा था। मैं ऐसा करूँ ग्रेनेड मैंने फेंक दिया है, लेकिन यार नहीं ग्रेनेड इसको नहीं लगा। मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा आगे जाकर इसको एक 47 से मार लेते हैं, एंड लमर को भी यार हमने जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाना है, कि ऐसा ना हो कि लमर भी मर ना जाए। बाकी वहाँ पीछे से पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर भी आ रहा था। मैंने यहाँ पर इस बंदे को मार दिया, ये भी छपका आ रहा है तेरी तो ऐसी की तैसी, मैंने इसको तो ख़त्म कर दिया है। अभी जल्दी से मैं लमर के पास चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लमर की जान ही ना चली जाए। अभी शायद मेरे ख्याल से लमर बेहोश हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको हेड शॉट ना लगी हो। अगर इसको सर में गोली लगी तो फिर तो इसका खेल ख़त्म, नहीं नहीं इसको सीने में गोली लगी है, अभी शायद ही बेहोश हो चुका है। तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। वेट, यहाँ पर स्वेट सोल्जर्स आए हैं। एक सेकंड यार, पुलिस ऑफिसर्स भी आ चुके हैं। मुझे यार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है, कहीं ऐसा ना हो कि लमर की जान ही ना चली जाए। वेट, यहाँ पर अपनी गाड़ी उल्टी हो चुकी है, लेकिन अच्छा हो कि सीधी हो गई। अभी सामने दो दो पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई, तीसरी गाड़ी आ चुकी है। मैं जल्दी से यहाँ से कट मारता हूँ, इसको भी मैंने कट मार दिया, इसको भी मैं जल्दी से कट मारता हूँ। एक तो मैंने यार रॉन्ग वे चूज कर लिया है, तो मुझे पहले तो उस रोड पे जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाली गाड़ी से ना हमारा एक्सीडेंट हो जाए। बाकी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें पहले तो सबसे पहले लॉस सैंटोस पहुँचना है। वेट भाई, यहाँ पर ये अच्छा हो कि एक सेकंड, ये तो पुलिस वालों की गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से निकलता हूँ, मैं अगर लॉस सैंटोस में गया ना वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मुझे मार सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ पलेटो बी वाली हॉस्पिटल में चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो रोड है ना बहुत ही बड़े हैं और मैं ना कहीं भी छुप भी सकता हूँ, छुपने की भी जगह भी बहुत हैं। अगर मैं लॉस सैंटोस में गया ना तो पुलिस मुझे आराम से पकड़ सकती है एंड मार भी सकती है। तो मैं यहाँ से जल्दी से गट मारता हूँ। ओ नहीं यार, इस पत्थर से अपना टक्कर हो चुका है, तो मेरी गाड़ी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन अच्छा हुआ कि
ये कहीं दूसरी जगह पर जाकर नहीं गई, इसने ड्रिफ्ट मारकर फिर से सीधे रोड पर आ चुकी। तो मैं जल्दी से एक राइट साइड में कट मारता हूँ। इन अपनी गाड़ी को जितना स्पीड हो सके उतना फुल स्पीड में भगा कर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। गाइस तुम्हें क्या लगता है मैं लमार को बचा पाऊंगा? यानी वेटिंग अप पर यार इस पुलिस ऑफिसर ने छोटा वाला एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन अपनी गाड़ी बिल्कुल यार गंदे तरीके से जाकर पता नहीं किसकी गाड़ी में लगी है। वेटिंग अप पर ये लगते ही अपनी गाड़ी में इतना पावर है कि सामने वाला बंदा तो यार बेहोश हो चुका है। सामने भी पुलिस वालों की गाड़ियाँ खड़ी है। अभी मैं यहाँ से अगर राइट साइड में दूसरे रोड से जाता हूँ तो भी मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से ही अपने जंप मार कर किसी ऐसी जगह पर पहले तो छुप जाता हूँ जिससे पुलिस चली जाए, क्योंकि यार पहले तो हमें पुलिस को एस्केप करना पड़ेगा, इसके बाद हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम पुलिस को भी एस्केप नहीं कर पाए और हॉस्पिटल अगर हम पहुँच भी गए तो भी वहाँ पर अगर पुलिस वाले आ गए तो लमार को तो यहाँ वहाँ पर ही मार सकते हैं एंड मुझे यार अरेस्ट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर तुम 360 ड्रिफ्ट देखना। भाई साहब 360 तो नहीं थी, पता नहीं कौन सी डिग्री वाली थी, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का एक्सीडेंट नहीं, हल्का फुल्का नहीं भाई। यहाँ पर अपनी गाड़ी सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा, कहीं यार पुलिस ना आ जाए। पता नहीं मुझे यार क्या हो रहा है, यकीन करो यार इतना टेंशन है कि भाई अब तो गाड़ी भी कंट्रोल नहीं हो रही। बाकी यहाँ पर यार एक खुशखबरी है कि पुलिस जा चुकी है एंड मैंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा भगा कर एक हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, सैंडी शोर्स मेडिकल सेंटर पर। तो मैं जल्दी से यहाँ से इस डॉक्टर से बात करके देखता हूँ कि ये क्या कहता है। ओके तो गाइस मैंने यहाँ पर इस डॉक्टर से तो बात कर ली, लेकिन ये गंजा कह रहा है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो हमने ना इसको लमार को इसकी एम्बुलेंस में डाल दिया है। अभी ये कह रहा है कि मैं इस एम्बुलेंस में जल्दी से लमार को वहाँ पलेटो बे वाली हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इसका सारा इलाज होगा। ये जो हॉस्पिटल है ना बिल्कुल छोटी एंड पीछे ना हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में पुलिस स्टेशन भी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि संडे का दिन था तो इसने कहा कि पुलिस वालों की छुट्टी है एंड तभी तो यहाँ पर भी एक डॉक्टर बैठा था, लेकिन अच्छा हुआ कि एक भी बैठा था। बाकी यार तुमको ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो पर 100 लाइक्स होते ही मैं जल्दी से इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज कर दूँगा।